आप भी सर्व कर लेंगे। ये टाइम टाइम कंज्यूमिंग जो काम होते हैं, ये देखो मेरे लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो क्यूब बना के रखे हैं, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब खाना बनाना हो इसमें डालो और आसानी से बना लो। और इसके साथ ही मैंने चॉप किए थोड़ी सी बात, मेरा बेटा प्याज धो लो, प्याज को कटाना के बाद इस तरह से मैंने शिमला मिर्च जो है वो भी उसको स्लाइस करके या जैसे भी आपने डालनी हो वो भी मैंने रख देती, क्योंकि कई दफ़ा मेरा खाना बनाने का किचन में आने का दिल नहीं करता। चॉप करके कुछ इस तरह से क्यूब्स में, और कुछ बिल्कुल बारीक चॉप करके रखी होती है चाइनीज के लिए। छोटे वाला चाहिए, छोटे वाला। प्याज शिमला मिर्च वाली सारी चीज़ें रखते हैं तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ अपने घर में। और साथ ही आगे आगे चिकन जी, जब कुछ इस तरह से हो गए पानी अपना ड्राई कर लिए तब आप इसमें डाल देंगे काली मिर्च और नमक। इसकी काली मिर्च मेरे पास सफेद भी है, लेकिन इसको मुझे टेस्ट पसंद है बिल्कुल भी, ठीक है जी। और इसके बाद थोड़ा सा हिला दूँ, ठीक है। और इसी शेप से थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दें, ताकि अगर इसका थोड़ा सा जायका डालिए भी कम हो तो वो आपको ठीक ना लगे, ठीक है। मैं इसमें दो या तीन के करीब डाल दूँगी क्योंकि ये काफ़ी कड़ गई है। साथ साथ मैं बनाऊंगी अपना सैलेड, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसको टेंडर होने तक थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि अच्छे से पक जाए। बस इतना सा आग मैंने कर दी स्लो, इसको मैं कवर कर दूंगी ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। साथ में बना लूंगी अपना सैलेड।
सैलड मेरे बन गए और साथ ही मुझे बना लेना है अपनी चटनी। और चटनी भी देखें इस तरह से, लहसुन अदरक और लहसुन थोड़े से दो तीन जमे लहसुन की, प्याज पुदीना धनिया उसको ग्राइंड करके रखती हूँ। और ये 1 वीक के लिए 2 बॉटल्स काफ़ी होती हैं, इसमें जस्ट इतनी सी जाएंगी। इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है ना, कुछ ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। पहले धनिया साफ करो, फिर उसको पीसो, फिर बनाओ, उससे बेहतर है कि झटपट काम आपका एक दिन अपना जो है ना वो पूरा इन कामों में लगाए और अपनी जिंदगी आसान बनाए। ये बन गई मेरी चटनी रेडी, अब ये जाएंगी फ्रिज में। लेटी हुई थी, आ जाए अल्लाह का शुक्र आपसे बाहर निकली। अच्छा तो वो देखा तो इस स्टेज पे मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है दही, ठीक हो गया। और मेरी नेबर आंटी आ गई थी क्योंकि मैं अक्सर उनके साथ शाम की चाय पीती हूँ, लेकिन अब चली गई, खड़ी भी नहीं हुई। तो अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज और शिमला मिर्च ताकि इनका जो थोड़ा सा क्रंचीपन भी रहे और पक भी जाए। ठीक हो गया जी, चलिए जी। जब आपकी शिमला मिर्च को 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट आप कुक कर लें, बस इतना सही, इससे ज्यादा नहीं करना आपको। वो आपके खाने की ये वाली शक्ल आ जाए, थोड़ा सा पास कर लेते हैं ताकि आप उसी से समझ आए। ये देखें जब ऐसे हो जाए खाना, मतलब आपके चिकन और उसकी शक्ल शिमला मिर्च की, तो वो आपने इसमें डाल देनी है क्रीम, ठीक है। और ठीक है, और कर देंगे हम इसको मिक्स। पूरा पैकेट ही चला जाएगा इतने से में, तकरीबन ये 800 ग्राम के करीब, मतलब 3 पाव के करीब चिकन है मेरा। और साथ आप इसमें डाल देंगे, मुझे नीचे से ना सॉस पैन दोनों निकाल के दो दीजिए। ये देखें जी, क्रीम के कच्चापन खत्म करने के लिए 1-1.5 मिनट जस्ट आपने पकाना है और आपका घी भी ऊपर आ जाएगा। ये बिल्कुल रेडी हो गई है, जैसे कि मैंने ऑयल का बोला था वो भी इसके ऊपर आ गए। अब इसको बंद कर देंगे, कवर कर देंगे और मजीद जो ऑयल है वो भी इसके ऊपर आ जाएगा। और साथ अभी मैं बना लूंगी बंद कर दी, क्या बेटे? ना बेटा, पानी मेरा बॉइल हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे बनाना फ्लेवर।
बस इसको डिजॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था, ये बन गई। देखें जी, इधर हम लोग पानी भर रहे थे और मेरी काकी ने सारा पानी जो है ना ये देखें। अच्छी मामा की आप ना उधर बैठे और नाया को उधर लेके जाए। ये देखे सारा इधर इसने पानी जो है ना वो बिखेर दिए। और अरे मेरे पैर चीखे सुन ले चीखे। और हम लोगों ने कल बनाए थे कबाब और इनको सेव करने और चीखे आपको नजर आ रही है। और ये देखिए ये है जी मेरी जल फ्रीजी, इधर बन गया मेरा कस्टर्ड, ये होगी जेली और सैलड आयता जो है वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिए। तो बस हमने इसको सेव करना और इसके बाद हमारा दिन का सबसे आखिरी काम होता है दूध लेने जाना। हम जाएंगे जी दूध लेने। ये देखेंगे मैंने तकरीबन इसमें ऑलमोस्ट 1 kg चिकन डाला था, थोड़ी सी दाल और थोड़े से आलू, और ये मेरे 5 पैकेट बने हैं 1, 2, 3, 4 and 5। चले आप मुझे पकड़ाए थे। हाँ 12, 13, 14 डायरेक्ट। अब जी रखेंगे हम इसको सेव करेंगे, चलो मुझे पकड़ा दो बाकी पैकेट पकड़ाओ। वो उसमें डाल दो, उसने मुझे पहले भी बताया था कि पड़ा हुआ। मैं इस तरह से कट करके वेजिटेबल्स जो ना ऊपर भी पड़ेंगे इस तरह से कुछ रख लेती हूँ, और जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, इस तरह से चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। हाँ बस जाने लगे हैं जाने लगे। अभी नेक्स्ट जो है हमने बनानी है विंग्स। थैंक यू।